निन्नव, excuse me, ये घर परदेश की रस्म बहुत important है, okay? So get serious, don't smile, वरना इसके बगैर no entry. इनके भाई, गृह प्रवेश. Yeah, वही. Yeah. माजी. आज घर में आप खुशी का स्वागत करिए, समझिए आप हम दोनों का स्वागत करिए. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब होगा कि आप एक नहीं अपनी दोनों बहुओं को ठुकरा रही है. आई बिस वेलकम होम फटी साड़ी, लेकिन हाँ ये साड़ी फटी नहीं है. मामी जी, वो नो एक्सप्लेनिंग प्लीज. हमरे लिए अन्नो बेटो के खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, अंडरस्टैंड? खुशी जी बाहर चले लीजिए. अपना दाहिना पैर आगे कीजिए. आपको याद है जब आप पहली बार इस घर में आई थी साड़ियां लेके, तब भी हमने आपको यही कहा था. आपका फिर से ही घर में स्वागत है, आइए. एक सेकंड भाई, आप हमारे घर की परंपरा भूल गए क्या? आकाश रहने दो, हमें नहीं लगता खुशी जी झेल पाएंगे. अरे दी ऐसे कैसे, कैसी परंपरा? खुशी जी जैसी भी परंपरा हो आपको पूरी तरह से निशानी पड़ेगी ना. इनके भाई निभानी पड़ेगी. या निभानी निभानी, बट ही इज राइट, निभानी तो पड़ेगी. अरे क्यों परेशान कर रहे हैं आप हमारी बहन? नो अर्णव जी, कैसी परंपरा? अर्णव जी आपको चोट लगी है? आप क्या? इतनी भी चोट नहीं लगी कि अपनी बीवी को उठा ना सकूं. दादी जी के जाने का बहुत बुरा लगा,
दादी जी आश्रम से आई थी तो ऐसा लगा जैसे पूरा परिवार एक हो गया और आज वो चली गई, वो भी सिर्फ हमारी वजह से। ये ठीक नहीं है अर्नब जी, हमें उन्हें वापस लाना चाहिए। खुशी एक परिवार तभी परिवार माना जाता है जब सब लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लें। दादी यहां रहती तो कुछ बोलती भी नहीं और खुश भी नहीं रहती। हमें माफ कर दीजिए। खुशी तुम क्यों सॉरी बोल रही, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। श्याम जी, क्या हुआ रानी साहब? आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, वो बस एक अर्जेंट काम था, वही कर रहे हैं। आप थक गए होंगे, सो जाइए ना। चलिए अच्छा हुआ छोटे की शादी हो गई और खुशी जी भी घर वापस आ गई, है ना? रानी साहब, हम यहाँ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे एक मुवक्किल हैं, उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब सुधारना तो हमें ही होगा ना, वरना उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी हो सकती। अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन हम ज्यादा देर तक जागेगा नहीं। जी अभी तक हार नहीं मानी है साले साहब। अगर एक प्लान फेल हो जाए तो अच्छे खिलाड़ी झट से दूसरा बना लेते हैं। तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। हमें भूख नहीं है। ठीक है, तुम चेंज कर लो। ठीक है, एक्चुअली पहले मैं चेंज कर लेता हूँ। दर्द हो रहा है, छुपाने से दर्द कम नहीं होता। सिर्फ यहां नहीं, हम आपके चेहरे का दर्द भी देख पा रहे। आप अपनी तकलीफ हमसे छुपा नहीं सकते। लेकिन कोई बात नहीं, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम समझते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती है जो हम किसी से बांटना नहीं चाहते, लेकिन हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि हम हमेशा आपके पास और आपके साथ हैं।